तो आज हम बनाने जा रहे हैं 1971 में रिलीज हुई मूवी द पॉइंट के एक कैरेक्टर को, जिसका नाम है ओबिलियो द रिंगो स्टार। और इस मूवी के एक कैरेक्टर को तो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसका नाम है एरो द डॉग। हाँ, यही नीला कुत्ता। एक्चुअली मुझे इन तीनों का ऑर्डर आया था, इसीलिए धीरे धीरे करके हम ये तीनों कैरेक्टर्स बनाएंगे। पर सबसे पहले हम बनाएंगे ओबिलियो द रिंगो स्टार को। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एल्युमिनियम फॉइल की एक बॉल और एक लोहे की वायर। ये पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ और बेस प्रोवाइड करेगा। इस बॉल को तार में अच्छी तरह से घुसेड़ने के बाद हम इसके पेट के लिए भी एक स्क्वायर बॉल बनाएंगे। स्क्वायर तो बॉल होती नहीं, बट एक क्यूबॉइड बना लेंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब इसे अच्छा सा शेप देने के बाद इसे उस बॉल और वायर से कनेक्ट कर दें, कुछ इस तरह। और फिर जब ये पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए तो दो वायर सेम साइज के लें और इसके पैरों के लिए यूज़ कर लें। उन दोनों वायर को इसके निचले हिस्से में टाइटली फिट कर दें। और जब ये पूरी तरह से फिट हो जाए तो मुझे इसकी मेजरमेंट ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका ऑर्डर साइज करीब 2 इंच था। अब एक स्केल की मदद से इसका साइज नाप लेता हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये करीब 1 इंच का है, यानी कि ये छोटा पड़ गया। तो मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और फिर से वही प्रोसेस दोबारा दोहराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके फेस को व्हाइट कलर की क्ले से पूरी तरह से कवर कर देंगे। और इसके फेस की एक्स्ट्रा क्ले को निकालकर हम इसके फेस को डिटेल्स देने के लिए यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके फेस को डिटेल्स देने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी पॉइंटेड नोज बनाएंगे। एक छोटा सा क्ले का टुकड़ा लेंगे और उसे मुंह के बीचों बीच चिपका देंगे। अब इसकी नाक को अच्छी तरह से चिपकाने के बाद एक टूल की मदद से एक स्माइली फेस बना देंगे, कुछ इस तरह। वैसे ये थोड़ा सा चबी है, यानी कि गलफुल्ला है, इसलिए थोड़ी सी क्ले लेके इसके गालों में चिपका दें ताकि ये थोड़ा सा गोलू मोलू लगे। वैसे ये सब मैंने अपने हाथों से किया है, आप किसी टूल की मदद भी ले सकते हैं। अब इसके गालों को और स्मूथ बनाने के लिए किसी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पूरी तरह स्मूथ होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब लगे हाथ इसके कान भी बना लेते हैं। तो क्ले के दो बॉल्स बनाएं और उसे साइड वाइज चिपका दें, कुछ इस तरह। अब इसके कान को टूल की मदद से और अच्छे से चिपका दें। अब दो बॉल्स बनाएं और इसके नाक के अगल बगल लगा दें, जिससे आंखें बन जाएंगी, कुछ इस तरह। और इसकी बॉडी को क्ले से कवर करने के बाद उसमें एक तार घुसा दें जो बॉडी को सर से कनेक्ट कर देगा, कुछ इस तरह। पर गर्दन तो बनाना हम भूल ही गए, जो इन दोनों को अच्छी तरह से चिपका देगा। थोड़ी सी क्ले लें और इस वायर में घुसा दें। और जब ये अच्छी तरह से चिपक जाए तो गर्दन को स्मूथ कर दें। मगर ज़रा मेरा कैमरा सीधा कर लूँ, मेरा कैमरा हमेशा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि इतने छोटे कैरेक्टर्स बनाते वक्त मैं उनमें खो सा जाता हूँ, इसीलिए कभी कदार कैमरे पर ध्यान नहीं रहता। अब इसके हाथ के लिए एक स्ट्रिप बनाएं और उसे चिपका दें, कुछ इस तरह। दोनों साइड ऐसा ही करें। इसके हाथों को अच्छी तरह चिपकाने के बाद एक टूल की मदद से हाथों और गर्दन के जॉइंट्स में स्मूथनेस कर दें, कुछ इस तरह। इसके हाथ को थोड़ा बढ़िया सा पोज दे देते हैं, जिससे लगे कि ये डॉगी के ऊपर हाथ रखा है। उसके लिए एक तार का टुकड़ा लें और उसके हाथ में लगा दें, जिससे उसका हाथ मजबूत हो जाएगा और टूटेगा नहीं। अब किसी टूल की मदद से इसके पेट और हाथों के बीच एक पतली सी लाइन बना दें, जिससे उसका हाथ और पेट अलग दिखे, क्योंकि ये पूरा सेम कलर का है। अब इसकी हथेलियां बना लेते हैं। हथेलियां बनाने के लिए उसके हाथ को चपटा दें और उसमें थोड़ी लाइन खींच दें, कुछ इस तरह। ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा है।
अब इसके पैर बना लेते हैं। पैर बनाने के लिए इसके बॉडी के नीचे दो तार लगाएं और उन दो तार को क्ले से कवर कर दें। तो अंडा आकार की बॉल से इसके जूते भी बना लेते हैं। वैसे इसे बनाते वक्त मैंने इसका दूसरा हाथ निकाल दिया था क्योंकि वो पूरी बॉडी से चिपक गया था, इसी वजह से मैंने बाद में इसे फिर से बना के चिपकाया था। अब बारी आती है इसकी टोपी बनाने की। तो टोपी बनाने के लिए हम एल्युमिनियम फॉइल से एक कोन बनाएंगे। जब एल्युमिनियम फॉइल से ये कोन पूरी तरह से बन जाए तो इसे हम उसे सर में पहना के देखेंगे कि ये फिट बैठता है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिट बैठ रहा है। फिर क्ले से कवर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। बीच में मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दी थी, जैसे इसके पिछवाड़े में बम बना दिया था और इसका पेट थोड़ा बाहर निकाल दिया था। और इसके सर में टोपी पहनाने के बाद इसे अच्छी तरह से बेक कर दें। और पूरी तरह से बेक होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो लीजिए बन के रेडी हो गया हमारा ओविलियो। ऐसी मज़ेदार क्राफ्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी वीडियोस के लिए आप हमेशा अपडेटेड रहें। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।